नमस्कार दोस्तों, मैं सुमन द्विवेदी, आपका हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज मैं बात करूंगा हाइड्रोलिक सिस्टम की प्रेशर कंट्रोल सीक्वेंस वाल्व की कि कैसे ऑपरेट होता है। तो हम देखते हैं, एक यहाँ पे एडजस्टिंग स्क्रू लगा है, यहाँ पे ड्रेन है, ठीक है, और ये हमारा इनलेट है, पिस्टन है, स्प्रिंग है और ये आउटलेट है। क्या होता है, ये हमारा प्रेशर कंट्रोल सीक्वेंस मतलब कि पहले एक चीज ऑपरेट होगी, उसके बाद हमारी दूसरी चीज ऑपरेट होगी। जब हम इनिशियली ऑपरेट करते हैं तो यहाँ से इनलेट से हमारा फ्लूइड जाता है और ये इससे होते हुए आउटलेट से चला जाता है, ठीक है। जब यहाँ पे वो तो यहाँ पे क्या होगा कि जो हमारा एक्चुएटिंग मतलब कि जो हमारा एक्चुएटर है वो फुल पहुंच जाएगा, उसके बाद प्रेशर बिल्डअप होगा। मतलब जब वो फुल ऑपरेटिंग पर पहुंच जाएगा, उसको जब मतलब फुल ऑपरेट हो जाएगा, उसके बाद वहां पे प्रेशर बिल्डअप होना स्टार्ट होगा। जब प्रेशर बिल्डअप होगा तो फ्लूड तो कंप्रेस होगा नहीं, तो यहाँ पे आके वो क्या करेगा, अब देखिए यहाँ पे प्रेशर लगाएगा। जब प्रेशर लगाएगा ये देखिए, अभी क्या था, जब यहाँ से फ्लूड जा रहा था वहां पे एक्चुएटिंग के टाइम में, जब यहाँ पे प्रेशर बिल्डअप नहीं हो रहा था, मतलब कि हमारी वो यूनिट ऑपरेटिंग कंडीशन में थी, तो हमारा ये वाल्व का जो ये देखिए तो बंद है ना, यहाँ पे बंद है, ठीक है। अब जब क्या होगा, और हमारी यूनिट ऑपरेट हो गई तो प्रेशर बिल्डअप होगा, वो प्रेशर यहाँ पे ताकत लगाएगा। भाई जगह नहीं है कहीं तो यही पे जाएगा, जब यहाँ पे जाएगा और ये स्प्रिंग है तो स्प्रिंग के टेंशन से जब फ्लूइड का प्रेशर ज्यादा होगा तो ये हमारे पिस्टन को धकाना ऊपर स्टार्ट कर देगा। जैसे ही पिस्टन ऊपर धकेगा तो यहाँ पे जगह बन जाएगी और जगह बन जाएगी तो फ्लूइड यहाँ से यहाँ जाना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। तो इस तरह हमारा सीक्वेंस में पहले एक यूनिट ऑपरेट हुई थी और उसके बाद हमारी दूसरी यूनिट ऑपरेट होगी। जो एडजस्टिंग स्क्रू लगा रहता है वो स्प्रिंग के मतलब कि स्प्रिंग के टेंशन को एडजस्ट करने के लिए हम लगाते हैं। धन्यवाद। तो अब हम देखते हैं प्रायोरिटी वाल्व। प्रायोरिटी वाल्व मतलब कि पहले एक यूनिट ऑपरेट होगी, उसके बाद हमारी दूसरी यूनिट ऑपरेट होगी, ठीक है। अब हमारा जब पंप से फ्लूइड आएगा तो अब पहले प्राइमरी सिस्टम में जाएगा और उसके बाद हमारा सेकेंडरी सिस्टम में जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए, पंप से फ्लूइड आया और यहाँ से जगह थी, यहाँ से हमारे प्राइमरी यूनिट में गया। जब प्राइमरी यूनिट हमारी पूरी तरह से ऑपरेट हो जाएगी तो प्रेशर बिल्डअप होगा, वो प्रेशर अब यहाँ से होके यहाँ पिस्टन के नीचे पड़ेगा। जब पिस्टन के नीचे पड़ेगा तो ये हमारा कंप्रेस होने स्टार्ट होगा स्प्रिंग हमारा, तो ये पिस्टन भी ऊपर धकना स्टार्ट करेगा। जब ऊपर धकेगा ये तो यहाँ पे गैप क्रिएट हो जाएगा, यहाँ पे जगह बनेगी। क्यों, क्योंकि जब पिस्टन ये हमारा यहाँ से यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा तो ये वाली जगह खाली हो जाएगी और तो फ्लूइड हमारा यहाँ से जाके फिर सेकेंडरी यूनिट को ऑपरेट करेगा। इसका उपयोग मेनली हम लैंडिंग गियर में एक्सटेंड और रिट्रैक्शन के दौरान करते हैं कि पहले कौन से, पहले डोर खुले उसके बाद ही लैंडिंग गियर खुले, और उसके बाद जब रिट्रैक्शन कर रहे हैं तो पहले लैंडिंग गियर अंदर जाए और उसके बाद हमारा फिर डोर लॉक हो, उस सब में हम मेनली उपयोग करते हैं इसका। तो यहाँ से पंप से आता है, पहले फ्लूइड प्राइमरी में जाएगा, वहां पे एक्चुएट करके पूरी यूनिट जब ऑपरेट हो जाएगी, प्रेशर बिल्डअप होगा तो वो फ्लूइड फिर यहाँ से नीचे से पिस्टन के यहाँ से प्रेशर मतलब फ्लूइड का प्रेशर जब बढ़ेगा तो स्प्रिंग दबेगी और यहाँ से वेंट लाइन के थ्रू जो हमारा यहाँ पे फ्लूइड ये सब रहेगा वो बाहर निकलता रहेगा, एयर जो रहेगा, ताकि वैक्यूम क्रिएट ना हो यहाँ पे, इसलिए मैंने वेंट दिया है। जब यहाँ पे स्प्रिंग का टेंशन मतलब कम होगा, मतलब फ्लूइड का प्रेशर जो है वो ज्यादा हो जाएगा स्प्रिंग के टेंशन से, तब पिस्टन हमारा धकना स्टार्ट होगा और पिस्टन यहाँ तक जब आ जाएगा तो यहाँ से जगह मिल जाएगी और हमारी सेकेंडरी यूनिट ऑपरेट होगी। धन्यवाद। अब मैं बात करूंगा क्विक डिस्कनेक्ट वाल्व की। क्विक डिस्कनेक्ट वाल्व ये लाइन में हम फिट करते हैं कि जैसे यूनिट में हमें आगे काम करना है, तो जब हम इसको रिलीज कर देंगे तो ये लाइन का फ्लूइड यहाँ पे फंसा रह जाएगा और हमारा फ्लूइड जो है वेस्ट नहीं होगा, और जब हम यूनिट को कनेक्ट करेंगे तो हमारा फ्लूइड की सप्लाई चालू हो जाएगी। अब देखिए, जैसे मैंने यहाँ पे डिस्कनेक्ट किया तो ये जो पॉपेट है इसने यहाँ का मुंह बंद करके रखा है, तो हमारा जो फ्लूइड है वो हमारा फ्लूइड बाहर नहीं जाएगा, लेकिन जैसे हम इसको कनेक्ट करते हैं तो हमारी सप्लाई चालू हो जाएगी। जब कनेक्ट करेंगे तो क्या होगा, ये जब इसके अंदर जाएगा तो इसको अंदर जाएगा तो प्रेशर बढ़ेगा, जब प्रेशर बढ़ेगा तो इसको धकाएगा तो यहाँ पे जगह क्रिएट हो रही जो कि यहाँ पे ये बंद करके रखा था, ठीक है। तो हम ये लाइनों में यूज करते हैं मेनली, ये देखिए अब यहाँ पे भी जगह बन गई और यहाँ पे भी जगह बन गई, मतलब जब लाइन कनेक्ट होगी तब हमारी सप्लाई चालू होगी, लाइन डिस्कनेक्ट कर देंगे तो सप्लाई हमारी बंद हो जाएगी। तो इसका उपयोग हम वहां पे करते हैं जैसे हमें कोई मेंटेनेंस करना है, कोई ऐसा उस जगहों में हम इसको लगा देते हैं तो ये क्या करता है, उन जगहों में लगी ही होती है तो इससे क्या होता है, हमारी जो लाइन में पूरी यूनिट को खोलना नहीं पड़ता। अब जैसे अगर रिजर्वायर से हमें कोई भी
पंप में काम करना है, ठीक है। अब हमें पंप में काम करना है तो फिर जैसे ही लाइन निकालेंगे तो पूरा रिजर्वायर से फ्लूइड खाली हो जाएगा, तो उस टाइम हम क्या करेंगे कि डिस्कनेक्ट वाल्व लगा देंगे। लगी होती है तो उसमें क्या होगा कि जैसे ही लाइन को डिस्कनेक्ट करेंगे तो ये यहाँ पे पॉपेट यहाँ पे फंस जाएगा और ये पॉपेट आके यहाँ पे फंस जाएगा। तो इस तरह हमारा ये डिस्कनेक्ट वाल्व काम करती है। धन्यवाद। तो अब मैं बात करता हूँ शटर वाल्व की। शटर वाल्व का क्या होता है कि एक टाइम पे इसमें शटर लगा है, शटर, इसलिए इसका नाम शटर वाल्व पड़ा है, ठीक है। तो इसका काम यह होता है कि जैसे हमें एक बैकअप के लिए भी चाहिए और एक मेन के लिए चाहिए, तो जब एक टाइम में एक ही चीज ऑपरेट हो उसके लिए मैं शटर वाल्व का उपयोग करता हूँ, ठीक है। तो जैसे नॉर्मल सिस्टम में मैं क्या करता हूँ, फ्लूइड का इस्तेमाल करते हैं, तो हाइड्रोलिक फ्लूइड जाएगा यहाँ से और यहाँ से होते हुए बाहर चला जाएगा, तब तक इस पोर्ट का मुंह बंद करके रखेगा, क्योंकि जब यहाँ से आएगा तो प्रेशर लगाएगा, तो प्रेशर लगाएगा तो ये इसका मुंह बंद करके रखेगा और यहाँ से यूनिट ऑपरेट होगी। लेकिन इन इमरजेंसी कंडीशन हमारा, जैसे अगर कोई अल्टरनेट सिस्टम, तो यहाँ पे इमरजेंसी अगर हमारा हाइड्रोलिक सिस्टम या जो सिस्टम फेल हो गया, मेन सिस्टम हमारा फेल हो गया है, उस समय हमें बैकअप की, क्योंकि हमें यूनिट को ऑपरेट करनी है, जैसे लैंडिंग गियर को एक्सटेंड करवाना ही है, क्योंकि लैंड फिर हम कैसे करेंगे अगर हाइड्रोलिक फेल हो गया, तो उस टाइम में मुझे कोई एक बैकअप के लिए भी चाहिए। तो हमारी यूनिट ऑपरेट हो इसके लिए क्या करेंगे हम, अब देखिए फिर मैं क्या करूंगा कि न्यूमेटिक सप्लाई अगर ले रहे हैं, न्यूमेटिक सप्लाई जब आएगी तो यहाँ पे एयर के प्रेशर से ये इधर पीछे लगेगा, तो जब पीछे लगेगा यहाँ से यूनिट ऑपरेट होगी, तो उस टाइम में क्या होगा ना तो एयर जो है इधर आ पाएगी और यहाँ पे हाइड्रोलिक फ्लोर इधर जा पाएगा। तो इससे काम क्या होता है कि एक टाइम में हमारी एक ही यूनिट ऑपरेट हो पाती है। अब जैसे यहाँ पे न्यूमेटिक हो रहा है तो हाइड्रोलिक बंद है, यहाँ पे हाइड्रोलिक हो रहा था तो न्यूमेटिक बंद है, इस तरह में मतलब कि एक टाइम में एक ही यूनिट ऑपरेट हो पाती है। तो ये क्या करते हैं कि हम एक बैकअप के लिए जैसा हमारा ये है और एक मेन सिस्टम में रखते हैं। धन्यवाद। ये प्रेशर रिलीफ वाल्व है, प्रेशर रिलीफ वाल्व मतलब कि सेफ्टी वाल्व इसको कहते हैं। जब हमारा लाइन में प्रेशर एक टाइम में बहुत एक्सीड हो जाता है, मैक्सिमम सेट प्रेशर से ज्यादा हो जाता है, उस टाइम में क्या होता है कि ये रिलीज कर देता है एक्सेस प्रेशर को। तो देखिए कैसे वर्क करता है, ये प्रेशर लाइन में कनेक्टेड होता है, जैसे प्रेशर लाइन है यहाँ पे ये कनेक्टेड होगा, ठीक है। अब जब मैक्सिमम प्रेशर यहाँ पे बढ़ेगा तो ये यहाँ से फ्लूइड जाएगा और ये वाल्व ने अभी सील कर मतलब बंद करके रखा है, जब एक टाइम के बाद प्रेशर ज्यादा होगा मतलब कि स्प्रिंग टेंशन से ज्यादा प्रेशर हो जाएगा, तो ये वाल्व को स्प्रिंग को कंप्रेस करना स्टार्ट करेगा। जैसे स्प्रिंग को कंप्रेस करना स्टार्ट करेगा तो ये भी उठना स्टार्ट हो जाएगा धीरे धीरे, जैसे ऊपर उठेगा तो यहाँ से जगह बन जाएगी और एक्सेस प्रेशर को हमारा रिटर्न पोर्ट में भेज देगा। तो इससे क्या हो जाता है हमारे लाइन के फटने, इस सब के फटने की डर हमारी कम हो जाती है। तो इसको मैं बैकअप में रखते हैं, हम सेफ्टी वाल्व के तौर पर यूज करते हैं और ये जो यहाँ पे एडजस्टिंग स्क्रू की सहायता से मैं उसका टेंशन, ये जो स्प्रिंग का टेंशन है उसको मेंटेन करते हैं कि कितने के बाद ये प्रेशर कंप्रेस होना स्टार्ट हो, उस ये हम देखते हैं कि हमारी लाइन कितनी मजबूत है, किस हिसाब से है, हम ये सब देख के कंसीडर करके इसका एडजस्ट करते हैं टेंशन, ठीक है। धन्यवाद। आशा है आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।